पेन मैनेजमेंट आफ्टर डिलीवरी, मैं डिलीवरी के बाद का पेन कैसे मैनेज करना है। सो फर्स्ट थिंग जो आप सबको पता होना चाहिए कि डिलीवरी के बाद कहाँ कहाँ पे पेन होता है। सो वन थिंग इज अ स्टिचेस पेन, सीजेरियन है, नॉर्मल डिलीवरी है, वजाइनल बर्थ है, फोरसेप है, वैक्यूम है, डिपेंडिंग ऑन आपको जहाँ पे स्टिचेस आए हैं वहाँ पे पेन होता है। सो प्लीज सी वन ऑफ द वीडियोज जो हमने माधुजा यूट्यूब चैनल के ऊपर है, जिसमें हम लोगों ने बात की है स्टिचेस केयर आफ्टर डिलीवरी। दूसरा जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है इज ब्रेस्ट, बिकॉज ब्रेस्ट में एंगॉजमेंट होता है, निप्पल पे पेन होता है। तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है दैट आई विल शेयर। थर्ड थिंग विच इज पेनफुल इज बैक, बहुत सारी लड़कियों को बैक और नेक में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सो दैट्स देयर। एंड फोर्थ थिंग इज अ माइंड पेन और द मेंटल पेन, फैमिली प्रेशर, सब लोग सजेशन देते हैं उसकी वजह से बहुत तकलीफ होती है। तो चारों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट थिंग स्टिचेस केयर, स्टिचेस को लेके कुछ बहुत सिंपल चीज़ें याद रखना, फॉलो डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन। अगर आपको वजाइनल बर्थ है और वजाइना पे स्टिचेस है तो गर्म पानी में थोड़ा सा डेटॉल और दिन में 2-3 बार हॉट फर्मेंटेशन, फिर उस एरिया को ड्राई करके ऑइंटमेंट, एंड दैट कैन एक्चुअली हेल्प। सीजेरियन अगर है तो यूजुअली स्टिचेस को ड्राई होने में 10 दिन लग जाते हैं, तब तक बेसिक एक्सरसाइजेस जो हम लोगों ने बताई हुई है, एक्सरसाइजेस टू बी डन राइट आफ्टर डिलीवरी, थोड़ा बहुत मूविंग, वॉकिंग, एंड वंस द स्टिचेस आर हील यू कैन गेट स्टार्टेड विथ योर स्लो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, सो दैट विल एक्चुअली हेल्प। सेकेंड थिंग ब्रेस्ट पेन, ब्रेस्ट पेन को लेकर कुछ बहुत बेसिक चीज़ें याद रखना, यू नीड टू सपोर्ट योर ब्रेस्ट। अगर आप अच्छे साइज की प्रॉपर फिट होने वाली ब्रा पहनोगे तो आपको ब्रेस्ट को सैग होने के बाद जो हेवीनेस की वजह से पेन होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। सेकेंड थिंग ब्रेस्ट एंगॉजमेंट, अगर ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा दूध भरने की वजह से आपको पेन हो रहा है, प्लीज़ बार बार एक्सप्रेस करने से बेटर है गोभी के पत्ते ले लो, उसको आप डिफ्रीजर में रख दो एक 10-15 मिनट के लिए, और वो कोल्ड कैबेज फर्मेंटेशन ब्रा के अंदर रख के ब्रेस्ट को दे दो, ब्रेस्ट एंगॉजमेंट का पेन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इवन हॉट फर्मेंटेशन यू कैन यूज स्लाइटली फॉरवर्ड बेंड करके गर्म पानी अगर ब्रेस्ट पे डालोगे, या गर्म पानी में डिप किया हुआ नैपकिन निचोड़ के ब्रेस्ट पे रख दोगे तो भी आपको बहुत हद तक ठीक लगेगा। नेक्स्ट इज निप्पल पेन, प्लीज़ संभालो, बच्चे के मुंह में आपको सिर्फ निप्पल नहीं देना है, निप्पल के साइड में जो ब्राउन एरिया है वो भी बच्चे के मुंह में होना चाहिए। अगर बच्चे के मुंह में सिर्फ निप्पल देते हो तो बच्चा सक करके निप्पल को इंजूरी कर सकता है, एंड दैट क्रिएट्स लॉट ऑफ पेन। सो आप सबको याद रखना है कि निप्पल के साइड का, अगर बच्चे का लैचिंग ठीक है तो निप्पल पे पेन नहीं होगा। इसका मतलब ही वन ऑफ द ईजिएस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि आपका ब्रेस्ट फीडिंग गलत हो रहा है अगर आपको निप्पल पे पेन है, सो निप्पल पे पेन नहीं होना चाहिए, दैट विल बी द परफेक्ट थिंग, तो आपको हर्ट नहीं होगा। एंड नेक्स्ट पेन दैट वी स्पोक अबाउट इज बैक पेन एंड नेक पेन। प्लीज़ याद रखना ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से आपको बहुत ज़्यादा बैठना पड़ रहा है, रात में नींद ठीक से नहीं हो रहा है, देर इज़ अ टायर्डनेस, आपको बच्चे के पास नहीं आना है, बच्चे को इतना ऊंचा उठाना है पिलो की हेल्प से कि बच्चा निप्पल तक आ सके। सो बेसिकली वी से ब्रेस्ट को बच्चे के पास नहीं लेके जाना है, बच्चे को ब्रेस्ट के पास लेके जाना है, तो आपको बैक पेन कम रहेगा। आप आपके पोस्चर का ख्याल रखोगे तो आपको पेन कम आएगा, दैट्स फर्स्ट थिंग अबाउट पोस्चर। सेकेंड थिंग प्लीज़ एक्सरसाइजेस जो आपको डिलीवरी के बाद इमीजिएटली करनी चाहिए वो प्लीज़ करो। अगर आपका वजाइनर बर्थ है तो हार्डली आप 8-10 दिन के बाद सूर्य नमस्कार, कोर स्ट्रेंथनिंग सब शुरू कर सकते हो। सीजेरियन है तो बेसिक एक्सरसाइजेस शुरू और 40 डेज के बाद कोर स्ट्रेंथनिंग शुरू। इसके एक्सरसाइजेस भी माधुजा यूट्यूब चैनल के ऊपर है, एक्सरसाइजेस टू बी डन आफ्टर 40 डेज ऑफ डिलीवरी, या स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस आफ्टर 40 डेज ऑफ डिलीवरी, एंड एक्सरसाइजेस टू बी डन इमीजिएटली आफ्टर डिलीवरी। प्लीज सी दैट वीडियो और उन एक्सरसाइजेस को फॉलो करो तो आपको पेन नहीं होगा। नेक पेन आफ्टर डिलीवरी, बेसिकली बच्चे को कॉन्स्टेंटली नीचे देख के आपको नेक पेन होता है इनिशियल स्टेज में, यस इट्स राइट कि आपको कॉन्स्टेंटली नीचे देखना है, बट थोड़ी देर के बाद वंस यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट बेबी इज लैचिंग और इवन इन द इनिशियल स्टेज, कॉन्स्टेंट नीचे मत देखो, ये दर्द करने लगेगा। सो यस यू चेक डाउन एंड देन यू सी अप, यू चेक डाउन, एंड बेसिक नेक एक्सरसाइजेस जो आपको रिलैक्स होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मेंटल पेन और साइकोलॉजिकल पेन, लोगों के सजेशन, एक कमरे में बंद, बहुत बाहर नहीं जाना, कपड़े यूजुअली फ्रंट ओपनिंग वाले गाउन्स लड़कियाँ पहनती है, बहुत तेलू मालिश करके किया हुआ चेहरा होता है, सो दिस यू हैव टू स्ट्रिक्टली अवॉइड। आपको अगर पीसफुल और हैप्पी नहीं रहोगे तो वो पेन बढ़ते जाएगा, सो मेडिटेशन शुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफ, दैट कैन हेल्प। सेकेंड थिंग एक्सरसाइजेस कैन बी पार्ट ऑफ योर लाइफ, दैट कैन हेल्प।
थर्ड थिंग, आपके आपके कमरे में थोड़ा सा वॉकिंग, थोड़ा सा अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छा म्यूजिक सुनना, दैट मेक्स यू फील पॉजिटिव, दैट कैन हेल्प. फोर्थ थिंग, बच्चा जब भी सोता है उसके साथ नेम निकाल लो. एंड फिफ्थ थिंग, सुनो सबकी, करो दिल की, कोई कुछ भी बोले, अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट एंड फॉलो दैट, ताकि आपको कॉन्स्टेंटली ऐसे नहीं लगे कि यू हैव बीन कॉन्स्टेंटली बम्बार्डेड विथ रिचुअल्स. बहुत सारी चीज़ें अपने पुराने ज़माने में मम्मी और मदर इन लॉ के ज़माने में चलती थी, बिकॉज उनका वर्किंग स्टाइल, घर का काम, साइकोलॉजिकल प्रेशर, घर के बाहर ज़्यादा नहीं जाना, लाइफ स्टाइल वॉज वेरी डिफरेंट. अपना लाइफ स्टाइल बहुत अलग है, तो उनको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. सो यू नीड टू एक्सप्लेन योर फैमिली, एजुकेट देम. लाइक इन माय द्विजा एट पिंपरी एंड पुणे, वी हैव अ सेशन विथ मदर इन लॉ एंड मदर्स, सो दैट ऑल्सो एक्चुअली हेल्प्स. योर फैमिली शुड बी ट्रेन्ड so that they also support and you are also feel more confident. So thank you so much all of you. That's about pain management after delivery. Khud ka khud khayal rakho. Nobody can be there 100% 24/7 with you. You're the only your best friend. You take care of yourself, your body, your mind will take care of you. Thank you so much all of you. All the best. Take care and bye.